2022 में एक ऐसी घटना घटी थी जिसकी वजह से हम लोगों की आत्मा कांप गई थी। अलीबाबा के सेट पर एक हादसा हुआ। यहां पर तुनिशा शर्मा जो कि मेन लीड थी और उनके साथ शिजान खान जो कि मेल लीड थे, इन दोनों के बीच के प्यार प्रसंग का एंड हुआ। जैसा कि हम सबको पता है दोस्तों कि काफी रिपोर्ट्स ये बात का इशारा करती थी कि दोनों ही एक दूसरे के प्यार में पड़े हुए थे, लेकिन जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ यानी कि तुनिशा ने अपनी जान ली, उसी दिन उसके एक दो हफ्ते पहले 15-20 दिन पहले जो है शिजान और तुनिशा दोनों ही ने ब्रेकअप कर लिया था। अब आप लोगों को बता दूं दोस्तों, तो तुनिशा ने क्या वाकई इस दबाव में आके जो है ये कदम को उठाया था जो कि उनकी मां कह रही थी, क्या वो वाकई में शिजान जो मेंटली उनको हरास कर रहे थे ऐसा उनका आरोप था, क्या वाकई में ये हुआ था या कुछ और, आप लोगों को बता दूं तो अब इसका पर्दाफाश होगा। और कहां होगा? वो होगा लॉकअप सीजन 2 में। नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। आ गया है यारों का यार होस्ट राहुल भोज लेकर ये जरूर इंपॉर्टेंट बात। मेरे गुप्तचरों ने बतानी शुरू कर दी है इंपॉर्टेंट बात कि कैसे एकता कपूर मैम इस शो को सुपर डुपर हिट करने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर रही हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि शिजान खान की अगर बात की जाए तो उन्हें अप्रोच करने की कोशिश की जा रही है बैक टू बैक फॉर द शो लॉकअप 2। जैसे कि हम सबको पता है कि रियलिटी शोज में आके रियलिटीज पता चलती हैं, आप किस तरीके के नेचर को रखते हैं, किस तरीके से आप चीजें करते हैं, ये सारी चीजें जो है रखी जाती हैं। ऐसे में आप लोगों को बता दूं दोस्तों, तो तुनिशा और शिजान की क्या सच्चाई थी, क्योंकि अभी तक इस पर पर्दा डाला हुआ है, हमें पूरी क्लियर पिक्चर नहीं दिखाई दी है, जनता को क्लियर पिक्चर नहीं दिखाई दी है। और अब तो सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये जो शो है ये नेशनल टेलीविजन पे आएगा एंड एवरीवन नोज कि तुनिशा कौन थी और शिजान कौन थे, राइट? तो ऐसे में शिजान को अप्रोच करने की बात सामने आ रही है दोस्तों। बड़े बड़े लीडिंग पोर्टल भी इस बड़ी बात का खुलासा इंटरनल रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं और देखते हैं कि शिजान इस शो को अपनाते हैं या फिर इस शो को वो रिजेक्ट कर देते हैं। वैसे शिजान और तुनिशा दोनों की जोड़ी बहुत ज्यादा अडोरेबल थी, क्यूट थी दोस्तों, बट ये जालिम समाज इस वजह से नहीं वो कर पाए। और आप लोगों को बता दूं तो यहाँ पे बहुत बुरा हुआ और हम सबको पता है कि कैसे शिजान और तुनिशा की लव स्टोरी यहीं पे ही एंड हो गई। अब देखते हैं कि क्या होता है, क्या वाकई में शिजान और लड़कियों के साथ भी संबंध बना के रखे हुए थे उन्होंने, क्या वाकई में शिजान की बहनें सही बोल रही हैं, तुनिशा सच बोल रही थी या तुनिशा की मां सच बोल रही थी, ये सारी बातों पर से खुलासा हो सकता है। अगर शिजान ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जाएं, आपको क्या लगता है, आपको क्या है कहना इस बारे में जरूर बताएं। सारी अपडेट बताऊंगा, सो कीप ऑन वॉचिंग टेली खजाना। बाय बाय।